Og vi har bit med kvarimen. Og hygg er det de har! आप बीच में क्यों आ गई मम्मी? पानी तो जाओ। नहीं मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं मैं इसे नहीं जाने दूंगा। पानी तो भाग। पानी तुम जाओ। यार ब्रेक लगाओ क्या बात हो गई बताओ वो मेरे भाई ने मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे हुए वो मुझे मार देंगे प्लीज प्लीज हेल्प मी प्लीज देखो आज तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा लेकिन कल फिर उसके बाद एट द एंड तुम्हें तुम्हारी मदद खुद ही करनी पड़ेगी ना प्लीज आज हेल्प कर दो मैं बाकी बाद में देख लूंगी प्लीज नहीं अब अपनी सेफ्टी खुद कर प्लीज मेरी इतनी हेल्प करने के लिए मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी आजकल तो अपनों से ज्यादा अच्छे पराए होते कम से कम किसी की जान तो नहीं लेना चाहते थैंक यू सो मच ओह हेलो एक मिनट ये चल क्या रहा था बताओ तो सही मैं किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंसने वाला नहीं आप मेरे चक्कर में किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसने वाले हो मैं चलती हूँ अरे पर बता के तो जाओ वो तुम्हारे पीछे पड़े क्यों थे वो एक्चुअली मेरे मम्मी पापा के जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई और मेरे रिश्तेदारों ने वो प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए हर पैतरा अपना लिया यहाँ तक कि मुझे बेच दिया मुझे मारने की कोशिश की बस इतनी सी बात चलो मैं तुम्हें एक जादूगर के पास लेके चलता हूँ तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी पागल हो गए हो क्या मैं इतनी सीरियस बात कर रही हूँ तुमसे और तुमको मजाक सूझ रहा है अरे बाबा तुम चलो तो सही पर इस हूलिए में नहीं इस हूलिए में एंट्री भी नहीं मिलेगी तुम्हें अच्छा ठीक है पहले अपना फोन दिखाओ फोन हाँ दिखाओ जल्दी ये लो देखो अरे फोन दो एक मिनट के लिए अच्छा ये लो अरे आओ बेटा आओ कम हेलो हेलो मीट माय जादूगर माय मॉम बेटा द्रव्य ने मुझे आपकी सारी सिचुएशन के बारे में बता दिया है आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है ओके हम लोग हैं ना हम सब हैंडल कर लेंगे
कैसे? देखो अभी क्या होता है कि सेक्शन A17 के अंडर हम लोग ओनरशिप फाइल करेंगे। द्रव्य ने मुझे बताया ओनरशिप तो आपके अंडर ही है ना? हाँ करेक्ट। तो हम सेक्शन A29 के अंडर हम लोग माइनॉरिटीज की जो प्रॉपर्टी होती है ना उसको हम लोग सेफ्टी में रखते हैं, जो कि ये काम गवर्नमेंट करती है। और हमारा नेक्स्ट सेक्शन 102 के तहत हम लोग इसको सीज कर देंगे, जो कि जब आप बालिग हो जाओगी ये प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। तो अभी आपको कुछ पेपर्स साइन करने होंगे। वेट एक सेकेंड। हाँ तो अभी आपको कुछ पेपर साइन करने होंगे जिससे कि सारी ये फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाएंगी। ओके यस बेटा। तो द्रव्य ने बताया डॉक्टर बनना चाहते हो? वेरी गुड, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। चलो ठीक है, मिलते हैं घर पे। ओके चाची को खाकर तुझे चैन नहीं पड़ा क्या? आ गई यहाँ पे अपनी शक्ल लेके? मनुस कहीं की मैंने नहीं मारा है चाची जी को, उन्होंने तो मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी, उन्हें भैया ने मारा है। इतना सब हो गया फिर भी तुम लोग बास नहीं आओगे ना? बानी रुक जा, मैं भी चल रही हूँ तेरे साथ। जैसे भाभी को दिमाग आ गया और वो अपने मायके चली गई रहने, वैसे आप दोनों भी अपना ठिकाना ढूंढ लो। चलो जीतू। अरे बानी कहाँ जा रहे हो तुम लोग? जीतू बानी जाके बैठ जाइए। कुछ नहीं है आपको, बस वायरल फीवर है और ये दवाइयां हैं, ये ले लीजिएगा सुबह शाम और याद से ले लीजिएगा, ठीक है? हेलो डॉक्टर का फोन बात कर रही है, प्लीज आप हमारे घर आ जाइए, हमने आपके बारे में बहुत सुना है, मैम आप एम्बुलेंस से आ जाइए, मैं पेशेंट के घर पे विजिट नहीं करती, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे पेशेंट हैं। आई एम सो सॉरी मैम, एम्बुलेंस वाले पैसे ले लेते हैं, हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है मैम, प्लीज आ जाइए, नहीं तो बच्ची मर जाएगी। सॉरी मैम मैं नहीं आ पाऊंगी, आप कैसे भी आ जाइए यहाँ पे हॉस्पिटल में, मैं दवाई के पैसे नहीं लूंगी आपसे, बट आप आ जाइए यहाँ पे। मैंने डॉक्टर बनते टाइम एक ओथ ली थी जिसमें मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सबकी हेल्प करूंगी, मुझे जाना चाहिए। पेशेंट आप ही है क्या?
अपना। बुआ जी आप? अरे पानी तो पहले मैं इसको चेक करती हूँ। इसकी पल्स रेट तो बहुत डाउन जा रही है और इसकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब लग रही है। मैं काम करती हूँ, मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, इसके लिए एम्बुलेंस भिजवाती हूँ। पर सपना की हालत हुई कैसे और ये आपके साथ कैसे और इसकी मम्मी कहाँ गई? क्या बताऊँ बेटा, इसकी मम्मी तो इसको और इसके पापा को छोड़ के भाग गई और उसी गम में इसके पापा का हार्ट फेल हो गया और खत्म हो गए वो। तब से ये मेरे साथ ही रहती है। खैर मैं निकलती हूँ, मैं हॉस्पिटल जाती इसके लिए एम्बुलेंस भिजवाती हूँ क्योंकि इसका हॉस्पिटल में एडमिट होना बहुत ज़रूरी है और मैं दवाइयाँ भी भिजवा दूँगी। बानी हो सके तो मुझे और बुआ को माफ़ कर देना, हमने बहुत परेशान किया है तुम्हें। तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम लोग के किए की सज़ा भगवान तुम्हें दे रहे ऑलरेडी। मैं चलती हूँ और एम्बुलेंस भिजवाती हूँ। इन 5 सालों में इनको इनके किए की सज़ा मिल चुकी है, अब मैं इनके साथ और बुरा होते हुए नहीं देख सकती। आप दोनों अपना सामान पैक कर लीजिएगा, मैं 2 दिन के बाद आऊँगी और आप मेरे साथ मेरे घर चल दीजिए। मेरी फैमिली में चाहिए जैसे भी थे तो मेरे अपने ही ना। अब तो मैं अपने पैरों पे भी खड़ी हो गई हूँ, कम से कम इनको एक अच्छी लाइफ तो दे ही सकती हूँ। सपना, बानी मिली? मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं, टाइम पे ले लीजिएगा, जल्दी ठीक होना है तो। ठीक है, पहाड़ के नीचे इस बार नहीं बचेगी मेरे से ये। तो कैसा लगा आपको बानी सीजन 1 का ये ग्रैंड फिनाले? वी होप कि आपको बहुत ज्यादा पसंद
पसंद आया होगा और जल्दी हम सीजन 2 भी लेकर के आएंगे, तो भर भर के लाइक कर देना और कमेंट्स में भी बता देना चाहिए होगा तो। लेकिन उससे पहले हम लेके आने वाले एक और नई सीरीज जो कि बहुत धमाल होने वाली है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। हम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, वी होप कि आप भी होगे। तो चलो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो फिर अब हम मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।